हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों के सवाल में से एक सवाल मैंने पिक किया है जो कि बहुत लोगों ने किया है, वो ये है 2024 अगर दुबई हमने जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो एयरपोर्ट पे चेक होगी और वहाँ जाने पर हमको ज़रूरत पड़ सकती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, जब हम दूसरे कंट्री जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पासपोर्ट और वीज़ा, ये दोनों चीज़ हमें लगते ही लगते हैं। तो अगर आप पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं यूएई के लिए तो कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये है, किसी का चेक होता है किसी का चेक नहीं होता है। पर्टिकुलर किसी नेशनलिटीज़ के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ से कम की है तो ना ही आपका वीज़ा इशू होगा और ना ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपने ये देखना है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ हो गया जो कि है वीज़ा। वीज़ा के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडेड रहता है, यानी कि साथ में ही हमें मिलता है, इसलिए पासपोर्ट वीज़ा साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस ये सब के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आते हैं जो विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा का मतलब ये होता है कि हम वो कंट्री विजिट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी कंट्री विजिट करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास होने चाहिए पैसे और रहने की जगह, ताकि हम ओवरस्टे ना हो और इलीगल वे में उस कंट्री में ना रहे। तो इसको बोलते हैं स्टे डिटेल्स आपसे मांगी जाती है और शो मनी आपसे मांगी जाती है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, बहुत कम लोगों के चेक होते हैं, नहीं चेक होते हैं इमिग्रेशन में। अभी तो बहुत फास्ट रूल हो गया है, सिर्फ स्कैन कर करके वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप अदर नेशनलिटीज़ के हैं तो मे बी आपसे शो मनी और स्टे डिटेल्स पूछी जाएगी। शो मनी जो है वो 2000 दिरहम से 5000 दिरहम तक का आपके पास होना चाहिए। करेंसी कोई भी हो, आपके होम कंट्री की करेंसी भी होनी चाहिए या फिर यूएई की करेंसी भी आपके पास हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 2000 से 5000 दिरहम तक के बीच की होनी चाहिए। अगर 2000 से नीचे की है तो आप किसी भी वे में अगर आप पकड़े जाते हैं एंट्री आपको नहीं मिलेगी, और 2000-3000 भी अगर आप लेके आते हैं तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये हो गया शो मनी की। स्टे डिटेल्स, स्टे डिटेल्स में आप होटल बुकिंग दिखा सकते हैं, बेड स्पेस की बुकिंग दिखा सकते हैं, ईमेल के थ्रू दिखा सकते हैं या किसी भी सॉफ्ट कॉपी में दिखा सकते हैं, हार्ड कॉपी में दिखा सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव यहाँ रहता है तो उसकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी आप रख सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर रख सकते हैं, उसी में हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जो ट्रैवल करने के लिए लगते हैं। लेकिन एडिशनली जो इस समय पे ना, अगर आप वर्क वीज़ा यानी कि एंट्री परमिट में आ रहे हैं, जो कि कंपनी आपको एंट्री परमिट देती है, तो शो मनी, स्टे डिटेल्स ये सब की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। तो मैक्सिमम लोग जो लोग कमेंट करते हैं कि हमारा तो कुछ भी चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो लोग एंट्री परमिट में आए होते हैं। तो एंट्री परमिट अगर आपके पास है, कंपनी आपको एंट्री परमिट भेजती है, तो उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, चाहे आप किसी भी नेशनलिटी के हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।